पहली जो आज की हमारी मेन न्यूज़ आई है वो आई है, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल है यानी कि राष्ट्रपति शासन है वो लागू कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन या जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसके आधार पर जारी किया जाता है, क्या क्या इस पर इफेक्ट होते हैं और न्यूज़ क्या है, उनको सब हम कवर करेंगे। देखो, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र में स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे और वहाँ पे किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली थी और इसी को लेके काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी से चल रही है कि बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस कौन सी वहाँ पे सरकार वगैरह बनाई। तो हुआ क्या कि वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दी कि भाई हालात ठीक वगैरह नहीं हैं, और उन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ट्यूसडे को अप्रूवल दे दिया कि भाई प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, वो महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट है, लागू है, वो किया जाए। ये है सारी न्यूज़। अब हम देखो कुछ फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति शासन है वो किस आधार पर जारी किया जाता है, क्या क्या इसके इफेक्ट यहाँ पर आएंगे, और हम बात करें तो फंडामेंटल राइट पर क्या इफेक्ट आएगा और इसका जुडिशियल रिव्यू होता है या नहीं होता, उन सब चीज़ों को कवर हम एक एक करके करने वाले हैं। तो देखो, पहले तो ये जान लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगता है। ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत। अब कौन से पैरामीटर के आधार पर लगता है वो हम देखते हैं। देखो, दो पैरामीटर हैं। नंबर एक तो ये, जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, यानी हम सीधे शब्दों में बोलें तो जो स्टेट है या राज्य सरकार है वो जानबूझकर संविधान के जो गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन कर रही है, उनको फॉलो नहीं कर रही है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल है वो लगाए जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ पे शासन नहीं चल रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन दे रही हो स्टेट को और स्टेट अपनी मनमर्जी कर रहे हो, अपने ही आप बोल सकते हो कि एक तरीके से तानाशाही जैसा रोल चल रहा हो, उस कंडीशन पे प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 356 में तो देखो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पे अगर राज्य में काम ढंग से नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और एक है आर्टिकल 365 में ये कहा गया है कि अगर सरकार के जो निर्देश हैं, गाइडलाइन हैं, उनका अगर राज्य सरकार ढंग से पालन नहीं कर रही है, वो कैपेबल नहीं है, यानी कि सरकार की गाइडलाइंस को स्टेट नहीं मान पा रहा है, स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, स्टेट में जो भी कुछ हो रहा है वो, उस कंडीशन में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकते हैं। तो एक तो आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है कि कौन सी कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन तो इसका अनाउंसमेंट करता है और इसका जो अनाउंसमेंट होता है, घोषणा होती है, उद्घोषणा होती है, वो कितने लंबे टाइम तक रहती है और क्या क्या आगे एक्शंस है वो ली जाती हैं। तो देखो, पहली बात तो यह है कि जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को लेकर अप्रूवल दिया तो मतलब ये 2 महीने के लिए एप्लीकेबल होगा। देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट ने हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि भाई वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो ये 60 दिन के लिए वहाँ पे अप्लाई है वो होगा। बट अगर इन्हीं 60 दिन के अंदर अंदर हमारी जो पार्लियामेंट यानी जो संसद है वो अगर साधारण यानी कि हम बात करें तो जो सिंपल मेजोरिटी से, देखो ध्यान रखना है यहाँ पे, इन 60 दिनों के अंदर अंदर ही अगर हमारी जो पार्लियामेंट है वो सिंपल यानी कि साधारण मेजोरिटी से पास कर दे कि हाँ भाई इस पे राष्ट्रपति शासन है वो लगना चाहिए, उस कंडीशन में ये 60 दिन है ये बढ़िया हो जाएंगे 6 महीने तक। मतलब अब राष्ट्रपति शासन है वो 6 महीने तक वहाँ पर अप्लाई है वो होगा। इसके बाद में 6 महीने खत्म हो जाएंगे या उससे पहले हैं, वापस इसको 6 महीने तक एक बार और एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कुल मिला के अगर हम बोलें तो ये 1 साल तक अप्लाई है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो वो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप प्लीज इन चीज़ों को क्लियर रखना। जैसा मैंने आपको बताया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग में जब घोषणा होती है तब 60 दिन के लिए होती है, बट अगर इन 60 दिन के भीतर भीतर या 60 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे कि हाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, उस कंडीशन में ये 60 दिन बढ़ के हो जाते हैं 6 महीने तक, और इसके बाद में ये आगे 1 साल तक कंटिन्यू रहता है। 1 साल तक मतलब 6 महीने के बाद वापस 6 महीने का आप ले सके, इसको 1 साल तक ही बढ़ा सकते हो। अब अगर आपने 1 साल तक तो बढ़ा दिया, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि अगर इन 60 दिन के भीतर पार्लियामेंट इसे पास ही नहीं करे सिंपल मेजोरिटी से, तो देखो ये 60 दिन के भीतर भीतर ही अपने आप कैंसिल है वो हो जाएगा, मतलब 61वें दिन अपने आप ही प्रेसिडेंट रूल वहाँ से हट जाएगा। अब देखो, ऐसे हमने इसको 1 साल तो एक्सटेंड कर लिया, अब हम आगे देखते हैं। अगर इसे 1 साल के बाद भी आगे हमें एक्सटेंड करना है ना, तो इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। 1 सेकेंड, हम खाली पेपर ले लेते हैं। हाँ, कौन सी 2 कंडीशन होती हैं? अगर 1 साल से आगे हमें इसको एक्सटेंड करना है तो इसके लिए कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन तो ये है कि
भारत के पूरे हिस्से की अगर हम बात करें, या कोई, या तो पूरे भारत में, मतलब कंप्लीट इंडिया में, या फिर भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रपति शासन के अलावा इमरजेंसी लगी हो, यानी कि नेशनल इमरजेंसी है, वो कहीं पे इम्प्लीमेंट की गई हो। पहली कंडीशन तो यह है कि अगर भाई देश के किसी कोने में या पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी है या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, उस कंडीशन में इसे 1 साल से आगे भी हम एक्सटेंड है वो कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये रखी गई है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल दें कि देखो भाई अभी जो हालात हैं उसमें इलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो उस दौरान भी इसको 1 साल से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। एक तो यूपीएससी आपको ऐसे पूछ सकती है कि इसको एक बार में कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, तो एक बार में इसको 6 महीनों के लिए एक्सटेंड है वो किया जा सकता है। और इसके बाद में अगर हमें 1 साल से भी आगे इसको और एक्सटेंड करना है, तो हमें ये दोनों कंडीशन में से कोई सी फुलफिल होनी चाहिए, या तो देश में कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन ये कह दें कि इस स्टेट में इलेक्शन हो नहीं सकते, अभी हालात ठीक नहीं है, तो आप एक बार जो प्रेसिडेंट रूल है इसी से काम चलाइए। इन दो कंडीशन के बाद ही इसे हम आगे एक्सटेंड है वो कर सकते हैं 6-6 महीनों के हिसाब से, और ऐसे कुल मिला के हम इसे मैक्सिमम 3 साल तक ही कर सकते हैं, मतलब 3 साल तक ही कर सकते हैं। 3 साल के बाद में प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे किसी भी कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा। इसके दो बाद आपको इन वहाँ पे इलेक्शन है वो करवानी होंगे, या आप बोल सकते हो कि सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि 3 साल के बाद एट एनी कॉस्ट वहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएँ, शांति स्थापित है वो की जाए, और वापस से सरकार वहाँ पर बहाल बना के की जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो मैक्सिमम किसी भी स्टेट में 3 साल तक एप्लीकेबल हो सकता है, और स्टार्टिंग में 60 दिन के लिए होता है। इसके 60 दिन के भीतर भीतर पार्लियामेंट अगले से अप्रूवल दे देती है, तो ये 6 महीने तक तो हो जाता है, और ऐसे 6 महीने करके इसको स्टार्टिंग में 1 साल तक लेके जा सकते हैं। अगर 1 साल से आगे इसको हमें एक्सटेंड करना है, तो या तो नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए इंडिया के किसी कोने में या पूरे इंडिया में, या फिर इलेक्शन कमीशन बोल दे कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते इस स्टेट में, उस कंडीशन में इसको मैक्सिमम खींचते खींचते 3 साल तक लेके जा सकते हैं। अब बात क्या होती है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। देखो इसका इफेक्ट एक तो ये होगा कि स्टेट की सारी पावर है वो सेंटर के पास चली जाएंगी, और जो स्टेट लिस्ट के टॉपिक वगैरह हैं उन पे सेंटर है वो कोई भी, आप बोल सकते हो कि ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, वो जारी कर सकती है, कानून वगैरह बना सकती है, या फिर विधानसभा है उसके कोई कानून को आप बोल सकते हो कि हटा के चेंज वेंज भी कर सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ यह ध्यान रखना कि आपको यूपीएससी पूछ लें कि भाई हाई कोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो हाई कोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट अपने नॉर्मल जैसे काम करता है डेली लाइफ में उसी तरीके से चलता रहेगा, उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं है वो किया जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट की पावर है वो उसके हाई कोर्ट के पास ही रहेंगी, और को कंटिन्यू वहाँ पर काम है वो करेगा। अब चलो ये सब तो हो गया, अब हम ये देखते हैं कि वापस घोषणा को, मतलब जो भी अनाउंसमेंट हुआ था, वापस प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, इसको हटाना है तो क्या होगा। हटाने के लिए बहुत सिंपल मेथड है, या तो राष्ट्रपति हैं वो खुद ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई अब राष्ट्रपति शासन है वो इस स्टेट से हटाया जाएगा, तो तुरंत हट सकता है, कोई इसमें ज़्यादा पीएचडी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, बस राष्ट्रपति ने अनाउंसमेंट कर दिया तो फिर वहाँ पे सिंपल तरीके से हट जाएगा। कोई भी पार्लियामेंट से, मतलब आप बोल सकते हो कि अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि पार्लियामेंट अप्रूवल देगी तभी होगा, राष्ट्रपति जी ने बोल दिया कि हाँ भाई हटाना है तो हट जाएगा, सिंपल सी बात ही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है जो कि ये पूछ सकता है कि इस पे जुडिशरी, आप बोल सकते हो कि मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो आप ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जब जो 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ना, यानी कि 38वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1975 में, इसमें तो ये प्रावधान किया गया था कि भाई राष्ट्रपति शासन है इसका न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू है वो नहीं हो सकता। बट हुआ क्या बाद में, 1994 की अगर हम बात करें तो एक केस था, ये थोड़ा आप ध्यान रखना, केस कौन सा था, एस आर बॉम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि अगर राष्ट्रपति हैं वो सही ढंग से या गलत इरादों से राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, तो उस दौरान उन पे जुडिशियल रिव्यू है वो हो सकता है कि उन्होंने गलत तरीके से लगाया है वगैरह वगैरह। तो मतलब अब कुल मिला के बात ऐसी है कि आज के टाइम पे राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रखना है। अब हम एक छोटा सा फैक्ट और रह जाता है कि भाई फंडामेंटल राइट है इन पे क्या इफेक्ट है वो पड़ने वाला है। तो देखो फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना, प्रेसिडेंट रूल के दौरान कोई भी फंडामेंटल राइट में चेंजेस है वो नहीं आना है। तो बस ये थी सिंपल सी बात, तो हमने पूरे जो राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल को कवर है वो किया है। नेक्स्ट